हेलो एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आज के इस नए वीडियो में। और ये हमारा सीरीज चल रहा है बिहार स्पेशल ज्योग्राफी फ्रॉम सोर्स केबीसी नैनो। तो आज हम स्टडी करेंगे मेजर रिवर्स, फिर उससे आगे देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और वीडियो को लाइक करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हम जो सेक्शन है, जो हम रिवर्स को हमने डिवाइड किया था तीन भाग में, पिछले वीडियो में देखा था मेजर रिवर्स, मेजर रिवर्स, द रिवर्स ड्रेनिंग इनटू गंगा फ्रॉम द नॉर्थ, और एक द रिवर्स ड्रेनिंग इनटू द गंगा फ्रॉम द साउथ। तो तीन भाग में बांटा था, एक मेजर रिवर और एक रिवर वह जो रिवर्स वह जो गंगा में नॉर्थ से आकर मिलती है, और तीसरे तरह का रिवर्स हुआ जो गंगा में साउथ से आके मिलती है। ये गंगा वेस्ट टू ईस्ट फ्लो कर रही है, अगर नॉर्थ से आके मिली तो एक ये हो गया दूसरा टाइप का, और एक गंगा जो साउथ से आके रिवर्स जो साउथ में आके गंगा से मिलती है साउथ से आकर, तो ये तीसरा टाइप का रिवर हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक है हमारा मेजर रिवर्स, उसमें जो मेजर रिवर्स में पढ़ेंगे गंगा और फिर कमला, और कुछ रिवर्स के हम नाम पढ़ेंगे जो किस शहर के नाम एक्चुअली बेसिकली है, किस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है वो देखेंगे। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है गंगा बिहार में। अब गंगा है तो गंगा ओरिजिन कहाँ से होता है, पहला सवाल तो ये आपसे अपने आप से पूछिएगा। द ओरिजिन ऑफ गंगा इज इन द गंगोत्री ग्लेशियर इन उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में एक गंगोत्री ग्लेशियर है, वहां से गंगा ओरिजिन होती है। तो ओरिजिन ऑफ गंगा इज इन द गंगोत्री ग्लेशियर इन द उत्तराखंड। उत्तराखंड में कहाँ पे है एक गंगोत्री ग्लेशियर, कहाँ पे है, उत्तराखंड पे है, जहां से गंगा ओरिजिन होती है, स्टार्ट होता है, उद्गम पॉइंट है। द गंगा फर्स्ट इंटर्स बिहार नियर इट्स कन्फ्लुएंस विद द करमानसा इन बक्सर डिस्ट्रिक्ट। तो गंगा बिहार में इंटर कहाँ करती है, यह इंटर करती है अपने जो संगम पॉइंट है करमानसा नदी से बक्सर जिला में। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है कि गंगा बिहार में किस जिले में इंटर करती है, बक्सर डिस्ट्रिक्ट में, और संगम पॉइंट क्या है, संगम पॉइंट है करमानसा नदी, ठीक। द थ्री बिग ट्रिब्यूटरीज द घाघरा गंडक एंड द सोन ज्वाइन द गंगा आर नॉट वेरी फार फ्रॉम पटना। तो तीन इंपॉर्टेंट जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज है बिहार की, घाघरा गंडक और सोन, ये गंगा से ज्वाइन करती है जो कि पटना के पास में ही है, नॉट वेरी फार फ्रॉम द पटना। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा, कहाँ से ओरिजिन पॉइंट है, तो उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर बिहार में कहाँ इंटर करती है, बक्सर डिस्ट्रिक्ट, कन्फ्लुएंस पॉइंट कहाँ पे है, किस नदी के साथ संगम करती है बक्सर में, तो करमानसा, और तीन जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है घाघरा गंडक और सोन का हमने नाम देखा। द गंगा इज ज्वाइंट बाय द घाघरा फ्रॉम द नॉर्थ। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी पूछ लेता है और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी पूछ लेता है। तो जो गंगा से मिलती है घाघरा वो नॉर्थ से मिलती है, तो गंगा अगर ये वेस्ट टू ईस्ट फ्लो कर रही है नॉर्थ से आके मिली, तो गंगा की क्या हुई, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हुई घाघरा नदी। क्यों, क्योंकि नॉर्थ से आके मिल रही है। अपोजिट सिरहा 12 माइल्स नॉर्थ ऑफ आरा, तो आरा जिला से लगभग 12 माइल्स नॉर्थ में है एक सिरहा जगह है, वहां से ये बात मिलती है मतलब गंगा से। सोन नदी कहाँ से आती है, बाई सोन फ्रॉम द साउथ, तो सोन मिलती है साउथ से आते हैं, साउथ से आकर, तो सोन क्या हो जाएगी, सोन हो जाएगी गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटी, क्योंकि गंगा ऐसे फ्लो कर रही है तो इसके राइट में आ रहा है सोन नदी आ रही है, तो ये राइट बैंक ट्रिब्यूटी हो जाएगी सोन नदी, कहाँ पे, बिहटा के पास में। तो ये जगह जरूरी याद रखिएगा कहाँ पे मिलती है, भाई गंडक जस्ट अपोजिट पटना, और गंडक कहाँ मिलती है, और पटना के जस्ट अपोजिट से। मूविंग फर्दर ईस्ट, थोड़ा और आगे बढ़ने पर, ईस्ट बढ़ने पर, द गंगा इज ज्वाइन बाई पुनपुन फ्रॉम साउथ एट फतुहा इन पटना डिस्ट्रिक्ट। थोड़ा और ईस्ट बढ़ी गंगा नदी, तो पुनपुन नदी मिलती है गंगा से, कहाँ से, ये साउथ बैंक से, मतलब साउथ साइड से, मतलब ये भी क्या है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, पुनपुन नदी भी क्या है, गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। और ये कहाँ मिलती है, तो पटना डिस्ट्रिक्ट में फतुहा एक जगह है, तो फतुहा में मिलती है पुनपुन गंगा से, कहाँ से, साउथ से जाकर, मतलब राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है पुनपुन। द मोरहर एंड द क्यूल रिवर्स ज्वाइन एट द सूरजगढ़ इन मुंगेर आफ्टर विच इट फ्लोज नॉर्थ ईस्ट टू टेक अ शार्प बेंड ऑन रीचिंग हाई लैंड नियर मुंगेर टाउन एंड टर्न्स ऑलमोस्ट ड्यू साउथ। ये क्या बोल रहा है कि मोरहर एंड क्यूल रिवर्स, तो दो नदी है यहाँ पे, मोरहर नदी है, क्यूल रिवर है, ये कहाँ मिलती है गंगा से, तो ये मिलती है मुंगेर में सूरजगढ़ में, ठीक है। और यहाँ मिलने के बाद क्या होता है, आफ्टर विच इट फ्लोज नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट में फ्लो करने लगती है टू टेक अ शार्प बेंड ऑन रीचिंग हाई लैंड नियर मुंगेर। तो मुंगेर जब पहुंचती है, हाईलैंड है जो कि, वहां पहुंचने पे क्या होता है, ये और टर्न्स ऑलमोस्ट ड्यू साउथ, तो ये साउथ की तरफ मूव कर जाती है गंगा नदी, ठीक, ऑलमोस्ट ड्यू साउथ।
इट इज हेयर दैट इट इज ज्वाइन बाई बूढ़ी गंडक फ्रॉम नॉर्थ, और यहीं पे ये नॉर्थ से, ठीक है, नॉर्थ से क्या करती है, बूढ़ी गंडक आके मिलती है। तो बूढ़ी गंडक भी क्या है, एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा नदी की, ठीक है। तो आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। फिर आगे बढ़े, एट कहलगांव इट मीट्स अ लो रेंज ऑफ हिल्स बाय विच इट इज डाइवर्टेड नॉर्थवर्ड एंड ऑलमोस्ट टच द कोसी। अब कहलगांव में आने के बाद क्या होता है, ये एक हिल्स के जो लो रेंज एरिया है वहां पे ये जाती है और ये नॉर्थ की इधर डाइवर्ट होती है, ठीक है, नॉर्थ की तरफ डाइवर्जन होता है। और ये क्या होता है, ऑलमोस्ट टच द कोसी, कोसी से मिलती है, ऑलमोस्ट टच करती है, विच देन ज्वाइंस इट 4 miles डाउन स्ट्रीम फर्दर ईस्ट, लेकिन वहां मिलते नहीं है, और 4 miles ईस्ट जाने के बाद कोसी नदी से मिलती है गंगा। लाई द राजमहल हिल्स विच स्कर्ट इट साउदर्न बैंक, ठीक है, जो कहां पे राजमहल हिल्स में जो कि इसका साउदर्न बैंक भी बनता है। गंगा ऑलमोस्ट कंप्लीटली बाइसेक्ट्स बिहार एंड फ्लोज एज एन इमेंस स्ट्रीम, तो गंगा जो है ऑलमोस्ट बिहार को दो भाग में बांटती है और फ्लो एज एन इमेंस स्ट्रीम, तो काफी बड़ी नदी है, एक बहुत फ्लो के साथ फ्लो कर मतलब फ्लो करती है बिहार में, बीचों बीच इसको काटते हुए बिहार को। ड्यू टू दिस कम्युनिकेशन बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ हैज ऑलवेज बीन वेरी डिफिकल्ट, चूंकि इस नदी के कारण, गंगा नदी के कारण चूंकि बीचों बीच काटती है और पूरे ऑलमोस्ट बिहार में फ्लो करती है, तो नॉर्थ टू साउथ में जो ट्रैवल करना है वो बहुत डिफिकल्ट रहा है शुरू से ही। अर्लियर बोट्स एंड स्टीमर्स वेर यूज टू फेरी फॉर फैसिलिटेटिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल, तो शुरुआती दौर में क्या था कि बोट्स का इस्तेमाल होता था, स्टीमर्स थे सामान ले जाने के लिए, लोगों को ले जाने के लिए नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू साउथ टू नॉर्थ बिहार। फिर क्या हुआ था, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेल कम रोड ब्रिज एट मोकामा, फिर कुछ ब्रिज बने गंगा नदी के ऊपर, तो आपको ये भी याद रखना है कि कौन सा ब्रिज कहाँ पे लोकेटेड है, जैसे कि रेल कम रोड ब्रिज, रेल भी है और रोड ब्रिज भी बना मोकामा में, रोड ब्रिज एट हाजीपुर, हाजीपुर में जो ब्रिज है रोड ब्रिज है, ठीक है, कनेक्टिंग पटना, और कौन सा ब्रिज बना, तो रोड ब्रिज एट भागलपुर कनेक्टिंग नौगछिया, ठीक है, एक भागलपुर में भी रोड ब्रिज है जो नौगछिया को कनेक्ट करता है। हैव बीन कंप्लीटेड एंड दीज ब्रिजेस हैव सर्टेनली इंप्रूव्ड द कम्युनिकेशन बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ बिहार, तो ये तीन ब्रिज ध्यान में रखिएगा जो बनने के बाद काफी आसानी हुआ, उसने नॉर्थ बिहार को और साउथ बिहार को कनेक्ट किया है और इससे क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पीपल्स वो काफी आसान हो गया है। बट देर इज ओनली वन रेल ब्रिज कनेक्टिंग नॉर्थ एंड साउथ बिहार, लेकिन अगर हम रेल ब्रिज की बात करें तो सिर्फ एक ही रेल ब्रिज है जो कनेक्ट करता है नॉर्थ एंड साउथ बिहार को, सो द रेलवे कम्युनिकेशन बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ बिहार इज वेरी डिफिकल्ट, इसलिए रेलवे जो कम्युनिकेशन है वो काफी डिफिकल्ट है। टू न्यू मेगा ब्रिजेस रेल कम रोड आर नाउ कम्प्लीटेड ऑन गंगा, वन एट सोनपुर कनेक्टिंग दीघा एंड अदर एट मुंगेर टू जमालपुर, हालांकि अभी दो मेगा ब्रिजेस कंप्लीट हुए हैं जो कि रेल कम रोड है, रेल भी है और रोड भी है गंगा के ऊपर कंप्लीट हुआ है, एक हो गया आपका सोनपुर जो दीघा को कनेक्ट करता है, सोनपुर कनेक्टिंग दीघा, और दूसरा है मुंगेर में जो मुंगेर और जमालपुर को कनेक्ट करता है। टू न्यू ब्रिजेस ऑन गंगा आर अंडर कंस्ट्रक्शन, दो और ब्रिज अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वन एट कच्ची दरगाह कनेक्टिंग बिदुपुर, एक कहाँ पे कच्ची दरगाह जो बिदुपुर को कनेक्ट करता है, एंड दूसरा है कहाँ, बख्तियारपुर ताजपुर, ठीक है। ये थी कहानी गंगा नदी की, हमने ओरिजिन पॉइंट देखा, इसके ये देखे ट्रिब्यूटरीज देखे, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज घाघरा गंडक सोन उसके बारे में पढ़ा, और फिर कुछ ब्रिजेस पढ़े कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, अभी पहले कैसे होता था और अभी कैसे हो रहा है बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ बिहार। चलिए अब दूसरे हम ब्रिज की तरफ चलते हैं, दूसरे हम नदी की तरफ चलते हैं, मेजर रिवर्स की तरफ चलते हैं, कमला नदी। तो कमला नदी कहाँ ओरिजिनेट होती है, तो कमला ओरिजिनेट्स फ्रॉम महाभारत रेंज इन नेपाल नियर सिंधुली गढ़ी, ठीक है। तो कमला कहाँ ओरिजिनेट हो रही है, तो नेपाल में महाभारत रेंज है, एक सिंधुली गढ़ी जगह है, वहां से ओरिजिनेट होती है कमला नदी। इट फ्लोज इनटू द तराई रीजन ऑफ नेपाल एट चीसापानी, तो ये तराई एरिया में फ्लो होती है नेपाल में, कहाँ पे, तो चीसापानी एक जगह है वहां पे फ्लो होते हुए बिहार में एंटर करती है। द टोटल लेंथ ऑफ कमला इज 328 किलोमीटर ऑफ विच 208 किलोमीटर इज इन नेपाल एंड द रिमेनिंग 120 किलोमीटर इन इंडिया, तो टोटल लेंथ अगर पूछ लिया कमला नदी का तो कितना है बताइएगा, 328 किलोमीटर, आउट ऑफ विच 208 किलोमीटर इज इन नेपाल, 228 में से 208 किलोमीटर कहाँ पे है, नेपाल में है, और जो रिमेनिंग बची 120 किलोमीटर गया है कहाँ पे है, इंडिया में है, ठीक है।
The river drains a total catchment area of 7,232 square kilometers, out of which 4,488 square kilometers lies in Bihar. अगर हम टोटल कैचमेंट एरिया देखें इस रिवर का, तो टोटल कितना एरिया है, 7,232 स्क्वायर किलोमीटर, और उसमें से 4,488 स्क्वायर किलोमीटर कहाँ लाई कर रहा है, बिहार में लाई कर रहा है, जो रिमेनिंग बच गया वो नेपाल में. इट इंटर्स इंडियन टेरिटरी इन मधुबनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार. तो कमला नदी बिहार में इंटर कहाँ करती है, तो बिहार में इंटर करती है मधुबनी जिले में. 3.5 किलोमीटर अप स्ट्रीम ऑफ जयनगर नेपाल. तो नेपाल के जयनगर एक जगह है, वहां पे उसके अप स्ट्रीम मतलब उसके आगे बढ़ने पे इंडिया की तरफ 3.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मधुबनी डिस्ट्रिक्ट पे एंटर करती है कमला नदी. ए बराज नोन एज कमला बराज हैज बीन कंस्ट्रक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट नियर जयनगर. और एक बराज बनाया गया जिसका नाम है कमला बराज. किसके द्वारा बनाया गया, तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है. कहाँ पे, जयनगर में. ठीक. इट ज्वाइंस द रिवर करे और बागमती भी जिसको बोलते हैं एट बदला घाट इन खगड़िया डिस्ट्रिक्ट एट द कम्बाइंड स्ट्रीम फ्लोज इन द कोसी नियर बाय. तो ये जो है कड़े रिवर और बागमती रिवर से मिलती है कहाँ पे, बदला घाट. ये कहाँ पे, खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में है. एंड द कम्बाइंड स्ट्रीम, जो कम्बाइंड स्ट्रीम है इस नदी से मिलने के बाद, कमला और बागमती के मिलने बाद फ्लो इन टू द कोसी नियर बाय, तो आस पास में कोसी में फ्लो करती है. वाइल वन ऑफ इट्स ब्रांचेस लीड्स टू द बागमती अनदर लीड्स टू द कोसी. ठीक है. तो फिर आगे जाके मिलती है, फिर आगे जाके यही नदी एक बागमती सेपरेट फिर से फ्लो करने लगती है, दूसरी जो ब्रांच है वो कोसी नदी बन जाती है. इन द लोअर रीचेज इट फ्लोज द कोर्स ऑफ बालन एंड इज देयरफॉर नोन एज कमला बलान. ठीक है. जब नीचे फ्लो करती है, जब नीचे पहुंचती है लोअर रीचेज में, लोअर प्लेन एरिया पे, तो इट फॉलोज द कोर्स ऑफ बलान. तो प्लान एक बलान का एक जगह है, तो उसके कोर्स पे वो फ्लो करती है उसके बाद इसीलिए, और इसे हम कमला बलान भी कहते हैं. अगर हम बात करें ट्रिब्यूटरीज की, द मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ द कमला रिवर आर ताऊ, बैजनाथ, ताऊ, बैजनाथ खोला, मैनावती, धौड़ी, सोनी, बलान, त्रिशूला एंड चदा. ठीक है. ये सब कुछ कमला रिवर की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, तो ध्यान में रखिएगा इसको. चलिए आगे देखते हैं फिर. मेजर सिटीज ऑफ बिहार सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर. तो मेजर सिटीज ऑफ बिहार जो अलग अलग रिवर्स के बैंक पे सिचुएटेड है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो उसका ध्यान रखिएगा. जैसे कि गंगा नदी है, तो बिहार में गंगा नदी के किनारे कौन कौन सा शहर बसा हुआ है, तो चार शहर याद रखिएगा. एक तो पटना, बक्सर, भागलपुर और मुंगेर. क्या क्या नाम है, पटना है, बक्सर है, भागलपुर है, मुंगेर है. फिर एक सरयू नदी, सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो छपरा. फिर है फाल्गु नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो गया. फिर है बागमती, तो बागमती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, दरभंगा. फिर है पुनपुन नदी के किनारे कौन सा बसा हुआ है, फतुहा. फिर है बूढ़ी गंडक, तो बूढ़ी गंडक के किनारे कौन सा है, समस्तीपुर, खगड़िया, मुजफ्फरपुर और बेतिया. ये चार डिस्ट्रिक्ट है आपको बूढ़ी गंडक के किनारे. फिर है सोन की नदी के किनारे डेहरी ऑन सोन, जो एक जगह है डेहरी. क्यूल नदी के किनारे, तो ये है लखीसराय और क्यूल. गंडक नदी के किनारे हाजीपुर और सोनपुर. और एक दरधा रिवर है, इसके किनारे है जहानाबाद. तो ये थे मेजर रिवर्स, हमने पढ़ा कमला नदी और गंगा नदी जो बिहार में फ्लो करती है. अब चलते हैं दूसरे पार्ट, हम रिवर के दूसरे पार्ट में. द रिवर्स ड्रेनिंग इन टू द गंगा फ्रॉम नॉर्थ. ठीक है. तो ऐसे फ्लो कर रही है गंगा वेस्ट टू ईस्ट. अब नॉर्थ से आने वाले हम रिवर्स को देखेंगे, मतलब इसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गया ये सब. ठीक है. लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, द प्रिंसिपल लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा इन बिहार आर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. याद रखिएगा सीक्वेंस, वेस्ट टू ईस्ट. तो घाघरा, यहां पर घाघरा होगा, फिर गंडक, फिर क्या है, गंडक, फिर बूढ़ी गंडक. यहाँ पे बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा एंड द ट्रिब्यूटरीज. फिर कोसी, महानंदा. ठीक है. तो याद रखिएगा फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस में है घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा. चलिए पहला नदी देखते हैं हम, घाघरा, और इसी को सरयू भी कहते हैं. तो सरयू किनारे कौन सा सर बता हुआ था, छपरा. ठीक है.
The river Ghagra originates from Nampa in Nepal and enters Bihar at Gopalganj and joins Ganga at Chhapra. तो जो रिवर घाघरा है या सरयू नदी है ये कहां से ओरिजिनेट होती है? नेपाल के नंपा शहर से, ठीक है, और बिहार में एंटर करती है कौन से जिले में? गोपालगंज। और गंगा को ज्वाइन करती है किस डिस्ट्रिक्ट में? तो छपरा में। तो घाघरा ज्वाइंस गंगा एट छपरा। निकलती कहां से? नेपाल के नंपा से। बिहार में कहां एंटर करती है? गोपालगंज। तो नंपा, गोपालगंज, छपरा, ये घाघरा से संबंधित तीन वर्ड याद रखिएगा। The Ghagra flows for about 26 km along the boundary of Saran district and Balia, UP. So Ghagra jo flow karti hai lagbhag 96 km kiske boundary ke along? Saran district aur Balia jo ki UP mein hai. To ye do district hai, Saran district aur Balia district, iske boundary ke along hote hote ye 96 km tak flow karti hai. It is liable to inundate the adjoining area during the rains. Theek hai, to barish ke time mein kya hota hai, jo adjoining area hota hai wahan pe ye matlab inundation karta hai, अपहिवल करता है, जो वहाँ पे सेडिमेंट्स होते हैं उसको ये उखाड़ते हुए चलती है नदी, ठीक ठीक है। तो ये क्या करती है, जो बारिश के टाइम में ये बाढ़ अपने आसपास के एरिया को मतलब वहाँ पे बाढ़ लाते हुए या कुछ डिपॉजिट करते हुए चलती है। तो घाघरा नदी बस याद रखिएगा नाम, नंपा नेपाल से निकलती है, गोपालगंज बिहार में आती है और छपरा में गंगा से मिलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा ट्रिब्यूटरी है घाघरा के बाद, घाघरा के बाद क्या था? गंडक। गंडक रिवर निकलती कहां से? ओरिजिन पॉइंट, द रिवर गंडक ओरिजिनेट्स एट तिब्बत। ये तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, कहां से? तिब्बत से ओरिजिनेट होती है। द गंडक इंटर्स बिहार नियर त्रिवेणी एंड आफ्टर अ कोर्स ऑफ 321 किलोमीटर थ्रू नॉर्थ वेस्ट बिहार जॉइंस द गंगा एट सोनपुर एंड फॉर्म्स अ बाउंड्री बिटवीन उत्तर प्रदेश एंड बिहार। तो जो गंडक नदी है ये बिहार में एंटर करती है कौन से शहर में? त्रिवेणी। त्रिवेणी एक जगह है, वहां पे गंडक नदी बिहार में एंटर करती है और लगभग 321 किलोमीटर चलने के बाद थ्रू नॉर्थ वेस्ट बिहार, और बिहार के जो नॉर्थ वाला नॉर्थ वेस्ट पोर्शन है, ठीक है, यहाँ पे कहीं नॉर्थ वेस्ट फ्लो करने के बाद, फ्लो करने के बाद ये गंगा में मिलती है कौन से शहर पे? सोनपुर में। एंड फॉर्म्स अ बाउंड्री बिटवीन उत्तर प्रदेश और बिहार, और ये उत्तर प्रदेश और बिहार का बाउंड्री भी फॉर्म करती है यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। तो ये हो गई कहानी गंडक की। आगे देखे क्या है, a little to the northwest of its confluence with Ganga and along its bank situated in Sonpur, where every year a great bathing festival is held on the occasion of Kartik Purnima, which is also the occasion for the greatest cattle and elephant fair in the world. So, ये क्या बोला है कि little to the northwest of its confluence, जहाँ पे ये मिलती है confluence, जहाँ संगम point है गंडक का और गंगा का, उसके हल्का सा north west direction में चलने पे, along its bank, ठीक है, उसके bank के किनारे एक सोनपुर जो शहर है वहाँ पे हर साल एक ग्रेट बाथिंग फेस्टिवल होता है, स्नान, जो कार्तिक स्नान होता है, कार्तिक पूर्णिमा स्नान आप सभी को पता होगा, तो वहाँ पे लगाया जाता है सोनपुर नदी में और सोनपुर की जगह पे है, विच इज ऑल्सो ओकेजन ऑफ ग्रेटेस्ट कैटल एंड एलिफेंट फेयर इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा यहाँ पे के जानवरों का फेयर लगता है, मेला लगता है, सोनपुर मेला, आप सभी ने सुना होगा। द गंडक इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा एंड कैरीज एन इनॉर्मस वॉल्यूम ऑफ वाटर। जो गंडक नदी है वो गंगा की एक बहुत बड़ी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है एंड इट कैरीज एन इनॉर्मस वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो अपने साथ क्या लाती है? बहुत सारा वॉल्यूम लाती है पानी का, और इसी कारण से ये गंगा नदी का एक बहुत बड़ी ट्रिब्यूटरी के रूप में गंडक उभर के आती है, ठीक है। तो इनॉर्मस अमाउंट ऑफ वाटर लाती है अपने साथ। इट यूज टू कॉज फ्लड अर्लियर्स, तो पहले ये क्या है, पहले ये क्या करती थी, तो इसके कारण बहुत मतलब बाढ़ भी आया करता था पहले के टाइम में, बट नाउ इट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम इट्स डिजास्टर्स फ्लड बाई एन एम्बैंकमेंट। अब एम्बैंकमेंट बना दिया गया है इस नदी के किनारे, तो अब बाढ़ नहीं आता है, प्रोटेक्शन मिल चुका है। द गंडक फिट्स टू इम्पोर्टेंट इरीगेशन कैनाल, तो दो इरीगेशन कैनाल याद रखिएगा जो गंडक नदी फीड करती है, द त्रिवेणी कैनाल इन चंपारण, कहाँ पे है त्रिवेणी कैनाल? कहाँ पे? चंपारण में है। एंड द सारण कैनाल इन सारण, सारण कैनाल कहाँ पे है? जाहिर सी बात है सारण है, और त्रिवेणी कैनाल कहाँ पे है? चंपारण में है, ठीक है। तो दो हमने पढ़ा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, घाघरा और गंडक। तो घाघरा और गंडक के बाद हम पढ़ेंगे बूढ़ी गंडक। तो बूढ़ी गंडक कहाँ ओरिजिनेट होती है? द बूढ़ी गंडक ओरिजिनेट्स फ्रॉम चौतरवा चौर नियर बिसंबरपुर इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट चंपारण बिहार। तो बिहार में एक जिला है वेस्ट चंपारण, तो वहां पे एक जगह है बिसंबरपुर और उसी के पास एक और जगह है चौतरवा चौर, वहां से ये ओरिजिनेट होती है बूढ़ी गंडक। और इट इज फास्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ नॉर्थ इंडिया, तो एक फैक्ट हो गया एक तरह से,
बूढ़ी गंडक क्या है, फास्ट फ्लोइंग रिवर है नॉर्थ बिहार की। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी तो है ही बूढ़ी गंडक, और एक फास्ट फ्लोइंग रिवर भी है नॉर्थ बिहार में। अगर हम टोटल लेंथ की बात करें इस नदी की, बूढ़ी गंडक की, तो ये लगभग 320 किलोमीटर है, ठीक है। द ड्रेनेज एरिया ऑफ द रिवर इज 10,150 स्क्वायर किलोमीटर। अगर ड्रेनेज एरिया पूछ जाए इस रिवर का, बूढ़ी गंडक का, तो कितना है, 10,150 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक। द बूढ़ी गंडक इज, बूढ़ी गंडक रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ठीक है। इट इज नोन एज सिक रहना इन इट्स अपर रिचेज। तो अपर रिचेज में क्या बोलते हैं, सिक रहना इसको, बूढ़ी गंडक को। द बूढ़ी ओल्ड गंडक फ्लोज पैरेलल टू एंड ईस्ट ऑफ द गंडक रिवर इन द ओल्ड चैनल, इन एन ओल्ड चैनल। तो बूढ़ी गंडक क्या है, गंडक नदी के पैरेलल और उसके ईस्ट में ये फ्लो करती है, एंड ईस्ट ऑफ गंडक रिवर इन द ओल्ड चैनल। तो गंडक नदी इसलिए गंडक है, और चूंकि बूढ़ी गंडक इसलिए बोला गया है कि जो पुराना चैनल था गंडक नदी का उसी में फ्लो करती है, उसी के और जो नई वाली गंडक रिवर है दोनों पैरेलल फ्लो करती है, ठीक है। इसलिए बूढ़ी कहा गया है क्योंकि उसके ओल्ड चैनल में फ्लो करती है और पैरेलल है, इसलिए गंडक कहा गया है। इट इनिशियली फ्लोज थ्रू द ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट आफ्टर फ्लोइंग फॉर अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 56 किलोमीटर। इट इनिशियली शुरुआती में क्या फ्लो करती है, ईस्ट चंपारण से फ्लो करती है, और आफ्टर फ्लोइंग फॉर अ डिस्टेंस अबाउट 56 किलोमीटर, लगभग 56 किलोमीटर फ्लो करने के बाद द रिवर टेक्स अ साउदर्ली टर्न, तो एक साउथ की तरफ मुड़ जाती है। वेयर टू रिवर्स द धुबड़ा एंड द त्यूर ज्वाइन इट, जो दो रिवर है धुबड़ा एंड त्यूर। तो धुबड़ा एंड त्यूर क्या हो गया, ये इसका ये आपका बूढ़े गंडक की ट्रिब्यूटरीज हो गए, ठीक है। देयर आफ्टर द रिवर फ्लोज इन अ साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन, उसके बाद ये साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन में फ्लो करती है थ्रू द मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में क्रॉस करती है इन द साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन। द बूढ़ी गंडक रन्स अ जिगजैग कोर्स थ्रू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ समस्तीपुर एंड बेगूसराय बिफोर कवरिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस इन खगड़िया डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो बूढ़ी गंडक क्या है, पहले समस्तीपुर और बेगूसराय में एक जिगजैग कोर्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ती है, और खगड़िया में एक शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करने से पहले रनिंग बाय द साइड ऑफ द टाउन ऑफ खगड़िया, तो खगड़िया शहर के साइड से ये फ्लो करते हुए आगे बढ़ती है। एंड देन फ्लोस इनटू द गंगास, इट फॉर्म्स द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ द खगड़िया टाउन। तो खगड़िया टाउन का जो वेस्टर्न बाउंड्री है ये बूढ़ी गंडक की फॉर्म करती है। एंड प्रोटेक्शन एम्बैकमेंट बिल्ट अलोंग द ईस्टर्न साइड ऑफ दिस रिवर प्रोटेक्ट्स खगड़िया टाउन फ्रॉम द फ्लड्स ऑफ बूढ़ी गंडक। और जो इस रिवर के ईस्टर्न साइड में एक एम्बैकमेंट बना हुआ है, एक बांध बना हुआ है, और यह बांध प्रोटेक्ट करता है खगड़िया डिस्ट्रिक्ट को फ्रॉम द फ्लड्स ऑफ बूढ़ी गंडक। तो बूढ़ी गंडक में ये कारण फ्लड ना आ जाए खगड़िया में, इसलिए एक एम्बैकमेंट बनाया गया है, बांध बनाया गया है बूढ़ी गंडक के ईस्टर्न साइड में। द मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ द बूढ़ी गंडक आर, अब बूढ़ी गंडक का कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है वो देख लेते हैं, मसान, बेलोर, पंडई, सिक्ता, तिलावे, त्यूर, धनौती, कोहरा, अंजना कोटे एंड दंडा। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है बूढ़ी गंडक के। चलिए, तो हमने क्या पढ़ा अभी तक, तीन रिवर्स पढ़े, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज गंगा के, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक। अब जो फोर्थ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है गंगा की वह है बागमती। द बागमती रिवर ज्वाइन थ्रू द काठमांडू वैली ऑफ नेपाल, रन थ्रू द काठमांडू वैली ऑफ नेपाल एंड सेपरेट्स काठमांडू फ्रॉम पाटन, फ्लोइंग थ्रू द साउदर्न नेपाल एंड दैट फाइनली ड्रेन्स इनटू द साउदर्न, ड्रेन्स इनटू द इंडियन सिटी ऑफ बिहार, ठीक है। तो ये काठमांडू जो वैली है नेपाल के उससे फ्लो करती हुई आती है और ये सेपरेट करती है दो शहर के, नेपाल को, नेपाल के दो शहर को, काठमांडू और पाटन, ठीक है। और उसके बाद फ्लो करती है साउदर्न नेपाल से फ्लो होते हुए फाइनली बिहार के, बिहार में आके ड्रेन करती है। इट इज कंसिडर्ड होली बाय बोथ हिंदूज एंड बुद्धिस्ट, तो ये इसको काफी होली माना गया है, पवित्र माना गया है हिंदूज और बुद्धिस्ट दोनों के द्वारा। ए नंबर ऑफ हिंदू टेम्पल्स आर लोकेटेड ऑन इट्स बैंक, और बहुत सारे हिंदू टेम्पल हैं जो बागमती नदी के किनारे बने हुए हैं। द टोटल लेंथ ऑफ बागमती इज 597 किलोमीटर, आउट ऑफ विच 394 किलोमीटर इज इन बिहार। अगर हम बात करें बागमती की टोटल लंबाई की, तो ये कितना है, 597 किलोमीटर, आउट ऑफ विच 394 किलोमीटर इज इन बिहार। उसमें से 394 किलोमीटर कहाँ पे, बिहार में है। इट इंटर्स बिहार इन सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट, तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि बागमती बिहार में किस जिले में इंटर करती है, तो सीतामढ़ी जिले में। इन बिहार द बागमती फ्लो अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट ऑफ दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर एंड खगड़िया। तो बिहार में बागमती किस डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करती है, तो दरभंगा से करती है, सीतामढ़ी से करती है, शिवहर, मुजफ्फरपुर और खगड़िया से करती है।
As it flows to Bihar, the river is full with silt load and is notorious for changing its course and breaks into many branches. One of such branch joins Bodhi Gandak River near Begusarai, and the combined river drains into Ganga east of Begusarai, while the main channel runs east to drain into Kosi at Badlaghat. Ab jab Bihar mein flow karti hai, as it flows to Bihar, the river is full with silt load. So river ke paas bahut sara silt hota hai, jo gaad hota hai niche mein, silt particles hote hain, to bahut sara silt particle hota hai. और ये बहुत ही नोटोरियस है, मतलब अपना जो कोर्स है बार बार चेंज करते रहती है, ठीक है, जैसे एक सीधे पास रास्ते नहीं चलती है. और ये क्या होती है, दो ब्रांच में मेनली टूटती है, इनटू मेनी ब्रांचेस, एंड बहुत सारा ब्रांच इसका बनता है, लेकिन एक जो ब्रांच है वो क्या करती है, बूढ़ी गंडक में मिलती है बेगूसराय के पास, और फिर जो कम्बाइंड रिवर है ये गंगा में जाके फाइनली ड्रेन होती है ईस्ट ऑफ बेगूसराय. बेगूसराय के ईस्ट में एक जाकर ये फाइनली गंगा नदी में जाके मिल जाती है. वेल द मेन चैनल, जो मेन चैनल है वह ईस्ट की तरफ फ्लो करते हुए जाके कोसी में मिलती है एट बदलाघाट. ठीक है, तो ये हो गया आपका बागमती. तो चार हमने देखा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती. जो नेक्स्ट है कोसी. The Kosi River is 720 km long, out of which 260 km in Bihar, and drains an area of about 74,500 square km in Tibet, Nepal and Bihar. और कोसी रिवर की लंबाई की बात करें तो लगभग 720 किलोमीटर ये लंबा है, ठीक है, और उस 720 में से 260 किलोमीटर कहाँ पे है, बिहार में है. और अगर इसकी एरिया की बात करें, जो कैचमेंट एरिया है इस कोसी नदी का, वो लगभग 74,500 किलोमीटर स्क्वायर है, तीन जगह मिला के, तिब्बत, नेपाल और बिहार, तीनों जगह मिला के 74,500 स्क्वायर किलोमीटर का इसका कैचमेंट एरिया है. द कोसी रिवर ड्रेन्स द नॉर्दर्न स्लोप ऑफ द हिमालय एंड तिब्बत. जो कोसी रिवर है वो ड्रेन करती है, ड्रेन्स द नॉर्दर्न स्लोप ऑफ द हिमालय एंड तिब्बत. ठीक है, तो तिब्बत में जो हिमालय का नॉर्दर्न स्लोप है वहां से ड्रेन करते हुए आगे बढ़ती है, और फिर साउदर्न स्लोप से नेपाल, नेपाल के साउदर्न स्लोप से जाती है. From a major confluence of tributaries north of Chhatra Gorge onwards, the Kosi River is also known as Sapt Kosi for seven upper tributaries. तो क्या बोल रहा है कि from a major confluence of tributaries north of the Chhatra Gorge onwards. तो छत्र एक गॉर्ज है, उसके आगे बढ़ने पे इसका क्या है, कोसी रिवर को हम सप्त कोसी भी बोलते हैं, क्योंकि इसके नॉर्थ में लगभग सात अब ट्रिब्यूटरीज है जो इससे आके मिलती है, इसलिए सप्त कोसी कहा जाता है इस नदी को. इट इंटर्स बिहार इन सुपौल डिस्ट्रिक्ट. तो कोसी नदी बिहार में कहाँ इंटर करती है, सुपौल डिस्ट्रिक्ट में. द सप्त कोसी क्रॉसेज नॉर्दर्न बिहार वेयर इट ब्रांचेज इनटू डिस्ट्रीब्यूटरीज बिफोर ज्वाइनिंग द गंगा नियर कुर्सेला इन कटिहार डिस्ट्रिक्ट. तो सप्त कोसी नॉर्दर्न बिहार में इंटर की सुपौल डिस्ट्रिक्ट में, और फिर इसका जो ब्रांचेज है अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज बना, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटरीज बना बिफोर ज्वाइनिंग द गंगा नियर कुर्सेला इन कटिहार डिस्ट्रिक्ट. तो कटिहार के कुर्सेला में गंगा से मिलती है, और उससे पहले कई डिस्ट्रीब्यूटरीज बनाती है अपना कोसी नदी. कमला, बागमती एंड बूढ़ी गंडक आर मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ कोसी रिवर इन बिहार. अगर हम कोसी की ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो कमला, बागमती और बूढ़ी गंडक ये कोसी की भी ट्रिब्यूटरीज है, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, बिसाइड्स माइनर ट्रिब्यूटरीज सच एज भूतही बालान. ठीक है, तो एक माइनर ट्रिब्यूटरी है भूतही बालान कोसी नदी का. व्हेन सॉलन बाय हेवी रेन्स एंड मेल्टिंग स्नो इट अनडेड्स लार्ज एरियाज. जब इस पे अगर काफी तेज बारिश होती है या बर्फ पिघल कर इसमें जब एंटर करते हैं तो काफी ज्यादा पानी का वॉल्यूम इसमें काफी बढ़ जाता है, जिसके कारण लार्ज एरिया को इंडेक्स करती है, वहां पर फ्लड लाती है. ठीक है, मेकिंग फ्रेश चैनल फॉर इटसेल्फ, अपने लिए फ्रेश चैनल भी बना लेती है. टर्निंग फर्टाइल लैंड्स इनटू एरिड वेस्ट ऑफ सैंड, स्वीपिंग अवे फैक्ट्रीज, फार्म्स, विलेजेस. मतलब कोर्स चेंज कर लिया तो गाँव में घुस चुका है, एक नया चैनल बना लिया, पूरा गाँव काट देती है नदी. ठीक है ना, एंड चेंजिंग द होल फेस ऑफ द स्टेट फ्रॉम अ फ्रूटफुल लैंडस्केप इनटू वाइल्डनेस ऑफ सैंड एंड स्वाम्प. तो पूरा लैंडस्केप चेंज हो जाता है, कहीं पे खेती हो रहा होता है, अब उसके चेंज करने के बाद ये पूरी तरह से नदी के अंदर डूब जाता है, कोई खेती नहीं होती, सब कुछ खत्म हो जाता है. तो ये कोसी नदी की कहानी है. चलिए, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है वो है महानंदा रिवर. कौन सा रिवर, महानंदा रिवर. द महानंदा रिवर इज अ ट्रांस बाउंड्री रिवर दैट फ्लोज थ्रू द इंडियन स्टेट्स ऑफ बिहार. तो एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है जो अलग अलग से फ्लो करती है, और थ्रू द इंडियन स्टेट बिहार, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश. ठीक है, तो बिहार, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में फ्लो करती है. द महानंदा ओरिजिनेट्स इन द हिमालयस. कहाँ ओरिजिनेट होती है, तो हिमालयस पगल झोड़ा फॉल्स इन महल्दीराम हिल नियर चिमली.
ईस्ट ऑफ कुर्सियोंग इन दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे कुर्सियोंग जगह है, उसके ईस्ट में एक महल्दीराम हिल है चिमली के पास, वहाँ पे एक पगलझोरा फॉल्स है, तो वहां से ये ओरिजिनेट होती है। कौन? महानंदा। इट इंडस बांग्लादेश इन टू नियर टिंटोलिया इन पंचगढ़ डिस्ट्रिक्ट, क्लोज फॉर 3 किलोमीटर। तो बांग्लादेश में इंटर करती है कहाँ पे? टिंटोलिया, एक पंचगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे पंचगढ़ डिस्ट्रिक्ट है टिंटोलिया जगह पे, और 3 किलोमीटर फ्लो करती है। आफ्टर टिंटोलिया एंड रिटर्न टू इंडिया, टिंटोलिया के बाद क्या करती है? फिर से इंडिया में रिटर्न करती है। आफ्टर फ्लोइंग थ्रू द उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल एंड किशनगंज, पूर्णिया एंड कटिहार डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, इट इंटर्स मालदा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो फिर से इंडिया में इंटर की कहाँ पे? वेस्ट बंगाल के उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट में, और फिर इंटर की किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार डिस्ट्रिक्ट बिहार में, और फिर चली जाती है वेस्ट बंगाल के मालदा डिस्ट्रिक्ट में। तो ये बड़ा कोर्स है, रास्ता है, कैसे कैसे फ्लो करती है महानंदा नदी। टोटल लेंथ ऑफ महानंदा इज 360 किलोमीटर। अगर टोटल लेंथ की बात करें महानंदा नदी की, तो ये कितना है? 360 किलोमीटर, आउट ऑफ विच 324 किलोमीटर इज इन बिहार। तो इस 360 किलोमीटर से 324 किलोमीटर कहाँ पे? बिहार में है, एंड 36 किलोमीटर इज इन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश। 36 किलोमीटर वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में है। द मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ द महानंदा आर बालासोन, मेची, कनकई एंड रिवर कालिंदरी। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है महानंदा रिवर के। ठीक है, तो ये थी कहानी दूसरा पार्ट का, मतलब लेफ्ट बैंक ऑफ ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, जहाँ पे हमने महानंदा पढ़ा, उससे पहले कोसी, बागमती, बूढ़ी गंडक, गंडक और घाघरा। तो याद रखिएगा, जैसे वेस्ट टू ईस्ट है सिक्वेंस में, अगर पूछ लिया तो पहले घाघरा आएगा, फिर गंडक, फिर बूढ़ी गंडक, फिर बागमती, बागमती के बाद कोसी, फिर महानंदा। चलिए आप देखते हैं, द रिवर्स ड्रेनिंग इन टू द गंगा फ्रॉम साउथ, जो साउथ से इंटर करती है, मतलब राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ बिहार हम देखेंगे, सॉरी गंगा देखेंगे। The principal rivers that join Ganga from south are the Karmansa River, एक important है, the Son नदी important है, Son, Punpun, Phalgu, Sakri and the Kyol। तो यहाँ पे कितना नदी है? 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ भी 6 नदी है। Son is the most important among these। तो सबसे important कौन है? Son नदी है। Son originates from Amarkantak hills in Madhya Pradesh, just east of the headwater of the Narmada। तो नर्मदा का जो हेड वाटर है उसके जस्ट ईस्ट में मध्य प्रदेश में अमरकंटक हिल्स है, वहां से ये सोन नदी ओरिजिनेट होती है। तो सोन नदी का ओरिजिनेशन देख लिया, अमरकंटक हिल्स मध्य प्रदेश, अमरकंटक हिल्स मध्य प्रदेश, जस्ट ईस्ट ऑफ द हेड वाटर ऑफ द नर्मदा। क्लियर है? इट फ्लोज नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट थ्रू मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में ये फ्लो करती है नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। अगर ये मध्य प्रदेश है तो इस डायरेक्शन में नॉर्थ और थोड़ा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है। बिफोर टर्निंग शार्पली ईस्ट वार्ड, फिर आगे जाके यहाँ पे सार्पली थोड़ा सा ईस्ट वार्ड मूव करती है। वेयर इट इनकाउंटर द साउथ वेस्ट कैमूर रेंज, जहाँ पे साउथ वेस्ट का कैमूर रेंज था उसको ये मिलती है। इट ज्वाइंस द गंगा नियर दानापुर इन पटना, तो पटना में दानापुर एक जगह है, वहां पे गंगा से मिलती है। कौन? सोन नदी। ठीक है, नॉर्थ कोल इन पलामो डिस्ट्रिक्ट झारखंड इज द ओनली इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द सोन। अगर हम सोन की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ कोल इन पलामो डिस्ट्रिक्ट। इन दिस लोअर पोर्शन द बेड ऑफ सोन इज अराउंड 3 to 5 किलोमीटर वाइड। अगर हम लोअर पोर्शन की बात करें तो जो उसका बेड है, जो नीचे वाला पोर्शन होता है सोन नदी का, वो 3 to 5 किलोमीटर वाइड है। विच इन द समर सीजन इज एन एनॉर्मस स्ट्रेच ऑफ ड्रिफ्टिंग गोल्डन सैंड विद एन इनसिग्निफिकेंट सिल्वर स्ट्रीक ऑफ वाटर। तो समर टाइम में क्या होता है यहाँ पे? एनॉर्मस स्ट्रेच ऑफ ड्रिफ्टिंग गोल्डन सैंड, मतलब बालू काफी ज्यादा यहाँ पे होता है, गोल्डन सैंड विद एन इनसिग्निफिकेंट सिल्वर स्ट्रीक ऑफ वाटर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे गोल्डन सैंड समर के टाइम मिलता है, क्योंकि इसका जो स्ट्रेच है वो बहुत ज्यादा है, 3 to 5 किलोमीटर है। इट हैज ग्रेट एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस, एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस इसका काफी ज्यादा है। इट इज द मेन स्ट्री ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट इरिगेशन वर्क इन स्टेट, तो इरिगेशन वर्क के लिए काफी इंपॉर्टेंट है सोन नदी। ए बिग डैम इंद्रपुरी डैम इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सोन कैनाल फ्रॉम द देहरी ऑन सोन। देहरी ऑन सोन में क्या है, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है बिग डैम इंद्रपुरी डैम, ये स्टार्टिंग पॉइंट है सोन कैनाल का। तो सोन नदी के ऊपर एक कैनाल बना हुआ है, सोन कैनाल डेहरी ऑन सोन डिस्ट्रिक्ट में, और जो इस डैम बनाया गया है सोन नदी पे उसका नाम है इंद्रपुरी डैम, और ये स्टार्टिंग पॉइंट है सोन कैनाल का। नेक्स्ट नदी है पुनपुन नदी। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम छोटा नागपुर हिल्स ऑफ पलामू डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। तो कहाँ से ओरिजिनेट होता है? तो झारखंड में पलामू डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे छोटा नागपुर हिल्स है, वहां से ये ओरिजिनेट होता है पुनपुन नदी। द रिवर मोस्टली फ्लोज इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो रिवर फ्लो कैसे करता है? नॉर्थ
रिवर कैसे किस डायरेक्शन में फ्लो करता है, करती है, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, एंड फाइनली ज्वाइंस द गंगा रिवर एट फतुहा। फाइनली क्या होता है, गंगा में मिलती है फतुहा में, फतुहा एक जगह है पटना में, 25 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ऑफ पटना, पटना के 25 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जगह है फतुहा, और वहीं पर जाके पुनपुन गंगा नदी से मिलती है। द रिवर इज 200 किलोमीटर लॉन्ग, अगर लंबाई की बात करें पुनपुन नदी की तो लगभग 200 किलोमीटर लंबी है, एंड इज मोस्टली रेन फेड एंड कैरीज अ लिटिल डिस्चार्ज ड्यूरिंग नॉन मानसून पीरियड। तो मोस्टली रेन फेड है, बारिश होगा तो उसमें पानी होगी, बारिश नहीं होगा तो पानी बहुत ही कम होगा, काफी लिटिल डिस्चार्ज होता है ड्यूरिंग नॉन मानसून पीरियड। अगर मानसून नहीं है, बारिश नहीं हो रही है, तो यहाँ पे काफी कम डिस्चार्ज होगा। इन द स्टेट इट इंटर्स इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, अगर बिहार में इंटर करती है औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। द रिवर वाइल फ्लोइंग थ्रू द छोटा नागपुर प्लेटू मीट्स अ नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज, तो रिवर जो है छोटा नागपुर प्लेटू से फ्लो करते हुए बहुत सारा ट्रिब्यूटरीज से मिलती है। द ट्रिब्यूटरीज जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है पुनपुन नदी की, वह ब्लूटेन, मदर एंड मोरहर। द पुनपुन रिवर इज एन इंपॉर्टेंट रिवर बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा रिवर इन लोअर रीचेस, तो लोअर रीचेस में पुनपुन क्या है, एक इंपॉर्टेंट रिवर बैंक ट्रिब्यूटरी है किसी गंगा की। चलिए तो हमने देख लिया सोन नदी के बाद पुनपुन को देख लिया, फिर उसके बाद करमानसा रिवर देखते हैं। द करमानसा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम रोहतास प्लेटू एंड ज्वाइंस गंगा नियर चौसा फॉर्मिंग उत्तर प्रदेश बिहार बॉर्डर। करमानसा रिवर ओरिजिनेट कहाँ पे होती है, ये ओरिजिनेट होती है रोहतास प्लेटू में, कहाँ पे, रोहतास प्लेटू में, और गंगा में ज्वाइन करती है कहाँ पे, चौसा, चौसा में, चौसा के पास में, और चौसा नदी क्या बाउंड्री बनता है बिटवीन उत्तर प्रदेश एंड बिहार बॉर्डर। द प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज ऑफ करमानसा आर चंद्र, प्रवा, दुर्गावती, करुणुति नदी एंड खजूरी। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज है करमानसा नदी का, चंद्र, प्रवा, दुर्गावती, करुणुति नदी और खजूरी। द फोर्थ इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की, वह है फाल्गु रिवर। फाल्गु रिवर इज फॉर्म्ड बाय द कन्फ्लुएंस ऑफ लीलाजन एंड मोहना, टू लार्ज स्ट्रीम, तो दो लार्ज हिल स्ट्रीम है जो हिल से निकलती हुई स्ट्रीम्स है, लीलाजन और मोहना, तो इसके कन्फ्लुएंस से, इसके संगम से फाल्गु नदी का फॉर्मेशन होता है। फाल्गु इज ऑल्सो नोन एज निरंजना, फाल्गु नदी को और किस नाम से बुलाते हैं, तो निरंजना के नाम से बुलाते हैं, याद रखिएगा। द फाल्गु लाइक इट्स कन्फ्लुएंस स्ट्रीम लाइक लीलाजन एंड मोहना इज सब्जेक्ट टू हाई फ्लड ड्यूरिंग मानसून, तो जैसे इसका कन्फ्लुएंस था, कन्फ्लुएंस स्ट्रीम था लीलाजन और मोहना, तो बारिश का टाइम में क्या होता है, बहुत सारा बाढ़ लाती है, तो फाल्गु भी सेम सिमिलर है, अगर बारिश बहुत तेज होगा तो बाढ़ आ जाएगी। इट फ्लोज पास्ट गया एंड इज अ सैक्रेड रिवर फॉर द हिंदूज एंड बुद्धिस्ट, तो ये गया से फ्लो करते हुए और ये बहुत ही सैक्रेड रिवर है, काफी पवित्र रिवर माना जाता है हिंदुओं के लिए और बुद्धिस्ट के लिए। लॉर्ड विष्णु टेम्पल, विष्णुपद मंदिर इज सिचुएटेड इन द बैंक ऑफ फाल्गु रिवर, तो जो विष्णु टेम्पल है, लॉर्ड विष्णु टेम्पल है, एक विष्णुपद मंदिर है, ये फाल्गु नदी के बैंक पे सिचुएटेड है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है क्यूल रिवर है, द क्यूल ओरिजिनेट्स फ्रॉम द तीसरी हिल रेंज इन खरगदिहा पुलिस स्टेशन एरिया ऑफ गिड्डी डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, तो झारखंड में गिड्डी डिस्ट्रिक्ट है, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे एक पुलिस स्टेशन है खरगदिहा पुलिस स्टेशन, ठीक है। वहीं के आसपास क्या है, तीसरी हिल रेंज है, वहां से ओरिजिनेट होती है क्यूल रेंज। आफ्टर फॉर्मिंग द बाउंड्री ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फॉर साउथ डिस्टेंस इट इंटर्स जमुई डिस्ट्रिक्ट इन बिहार थ्रू अ नैरो गॉर्ज नियर सतपहाड़ी हिल, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट में कुछ दूर के लिए बाउंड्री बनाती है शॉर्ट डिस्टेंस में, फिर ये बिहार में जमुई डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है, कौन सा नदी, क्यूल रिवर थ्रू अ नैरो गॉर्ज नियर सतपहाड़ी हिल, सतपहाड़ी हिल के पास नैरो गॉर्ज के थ्रू ये बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है क्यूल रिवर। इन बिहार द क्यूल रिवर फ्लो थ्रू जमुई, शेखपुरा एंड लखीसराय डिस्ट्रिक्ट एंड ज्वाइन हरोहर, हलहार और हरोबर रिवर इन दियारा रीजन, तो बिहार में क्या होता है, ये क्यूल रिवर फ्लो करती है जमुई, शेखपुरा एंड लखीसराय डिस्ट्रिक्ट और ये ज्वाइन करती है हरोहर, हलहार, हरोबर रिवर इन दियारा रीजन में। चलिए फिर नेक्स्ट है, वो है अजय रिवर। द अजय रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम बथपर, चकई ब्लॉक ऑफ जमुई डिस्ट्रिक्ट, तो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, बथपर एक जगह है, चकई ब्लॉक है जमुई में, वहां से बिहार में। इट फ्लोज थ्रू झारखंड एंड इंटर्स वेस्ट बंगाल एट सिमजोरी नियर चितरंजन, तो ये झारखंड से फ्लो होती हुई वेस्ट बंगाल में एंटर करती है, कहाँ पे, सिमजोरी एक जगह है चितरंजन में, वहां पे। चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ बिहार, रिवर है ये देखेंगे ओरिजिनेटेड फ्रॉम, फिर संगम कहाँ पे इसका होता है, लेंथ इन बिहार, कैचमेंट इन एरिया इन बिहार और इंटरनेट बिहार, इंटरनेट बिहार एट गंगा, तो गंगा कहाँ से ओरिजिनेट होती है, गंगोत्री ग्लेशियर से।
कहाँ पे जाके गिरती है फाइनली, तो बे ऑफ बंगाल में। अगर हम बात करें बिहार में लेंथ की, तो 445 किलोमीटर बिहार में लेंथ है, और एरिया कितना है तो 15,165 किलोमीटर। बिहार में इंटर कहाँ करती है, बक्सर में, ठीक है। घाघरा नदी ये है ओरिजिनेट होती है नर्मदा रिवर नेपाल से, और इसका संगम होता है कहाँ पे, गंगा में, कौन से लोकेशन पे, छपरा जिला में। बिहार में कितना लेंथ है, 33 किलोमीटर, एरिया 2295, और बिहार में इंटर करती है नेपाल से सारण में। नेक्स्ट है घाघरा के बाद गंडक नदी। गंडक नदी मंगमत एंड कुटंग नेपाल एंड तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, और ये फाइनली जाके गंगा से मिलती है हाजीपुर में। इसका बिहार में लेंथ कितना है, 260 किलोमीटर। बिहार में एरिया कितना है, तो लगभग 4188 स्क्वायर किलोमीटर, और बिहार में इंटर करती है गंडक त्रिवेणी जगह पर। नेक्स्ट है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक कहाँ पे ओरिजिनेट होती है, सोमेश्वर हिल, और फिर गंगा से मिलती है मुंगेर जिला में। 320 किलोमीटर इसका लेंथ हो गया, 9600 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया, और चंपारण में आके और फाइनली जाके क्या होता है, ये बिहार में इंटर करते हैं चंपारण जिला में। नेक्स्ट नदी है बागमती। ये महाभारत रेंज नेपाल से ओरिजिनेट होती है, कोसी में जाकर मिलती है। 394 किलोमीटर इसका लेंथ हो गया, 6500 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर इसका कैचमेंट एरिया हो गया बिहार में, और सीतामढ़ी में ये बिहार में इंटर करती है। अगर बात करें कमला रेंज की, कमला नदी की, तो महाभारत रेंज बिहार से ओरिजिनेट हुई होती है, बागमती में जाके मिलती है, 120 किलोमीटर लेंथ हो गया, और 4488 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर इसका कैचमेंट एरिया हो गया। कोसी नदी की बात करें तो ये सप्त कोसी नेपाल से निकलती है, गंगा कुर्सेला में के गंगा से मिलती है, 260 इसका स्क्वायर किलोमीटर मतलब लेंथ इसका हो गया 260 किलोमीटर, 11410 स्क्वायर किलोमीटर इसका कैचमेंट एरिया हो गया। अगर हम बात करें महानंदा रिवर की, तो महाभारत रेंज नेपाल से ओरिजिनेट होते हुए गंगा कटिहार में आके मिलती है गंगा से, और 376 किलोमीटर का लेंथ हो गया बिहार में, 1150 स्क्वायर किलोमीटर का कैचमेंट एरिया है, और पूर्णिया में आकर बिहार में इंटर करती है। करमानसा नदी विंध्याचल रेंज इसका ओरिजिनेशन पॉइंट हो गया, गंगा से मिलती है छावा जगह पे। सोन नदी की बात करें तो सोन नदी अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती हुई गंगा में पटना में आके मिल जाती है, 202 किलोमीटर का लेंथ हो गया बिहार में, और 15820 किलोमीटर स्क्वायर इसका कैचमेंट एरिया है। अगर हम बात करें पुनपुन नदी की, तो ये चौराहा हिल पलामू झारखंड से निकलते हुए फतुहा आती है, जहाँ पटना गंगा में गंगा से इसकी मुलाकात होती है, 235 किलोमीटर लेंथ हो गया, और 7747 किलोमीटर स्क्वायर इसका कैचमेंट एरिया हो गया। अगर बात करें फाल्गु नदी की, तो फाल्गु नदी कहाँ से निकलती है, झारखंड के नॉर्थ छोटा नागपुर प्लेटू से, और गंगा में आके फाइनली ये मिलती है। चलिए ठीक है, ठीक है, तो ये सब हमने देख लिया, रिवर्स हमने कंप्लीट कर लिया बिहार के इंपॉर्टेंट रिवर्स का। चलिए इस वीडियो में इतना रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे रिवर वैली प्रोजेक्ट, और फिर उससे आगे देखेंगे कहाँ तक हो पाता है। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।